सर्दियों के मौसम में फेस पैक कम लगाएं, लेकिन हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग और खूबसूरत बनी रहे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो एकदम मिस ना करें, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आज मैं वीडियो आप सबके लिए लेकर के आई। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग ऑयल लेकर के आई हूँ कि जिसको आप इजीली अपने घर में बना सकते हो। और जब आप इसको बनाते हो तो फुल बॉडी वाइटनिंग यानी कि सर से लेकर के पैर तक आप अपनी रंगत को निखार सकते हो। मतलब आपकी रंगत है ना, दिनों दिन जो है आपकी रंगत निखरेगी, आपकी खूबसूरती बढ़ने वाली है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट होने वाली है। और सर्दियों के मौसम में तो ये धमाल मचाने वाला है, कमाल करने वाला है। यानी कि एक ऐसा ऑयल जो कि सर्दी के मौसम में अगर आप लेजीनेस लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो फेस पैक लगाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन इच्छा ज़रूर होती है कि फेस पैक तो नहीं लगाई लेकिन मेरी स्किन की चमक बनी रहे, मेरी स्किन वैसी ही ब्राइट दिखे, मेरी स्किन उतनी ही ग्लोइंग रहे। तो एक ऐसा ऑयल बनाई हूँ, एक ऐसा फेस सीरम बोल दो आप या फिर ऑयल बोल दो आप, ऐसा बनाई हूँ कि ऐसा ऑयल लेकर के आई हूँ कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन को बेहद ही खूबसूरत और ग्लोइंग करने वाला है। आगे चल के देखिए कि इसको बनाते कैसे और इसको लगाते कैसे। इस फेस सीरम को बनाने के लिए आपको डबल बॉयलर मेथड में को यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि किसी भी कढ़ाई में या पतीले में किसी में भी आपको थोड़ा पानी लेना पड़ेगा। एक कटोरी आपको डालना है, उसके अंदर आपको मैं एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप इसके जगह पे नॉर्मल पैरासूट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो तो आप इसके जगह पे ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। आप अपना कोई भी फेवरेट ऑयल ले सकते हो। मैं तकरीबन 3-2 स्पून के करीब में ली हूँ। उसके बाद जो सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ वो लिकोराइज पाउडर है, और लिकोराइज पाउडर मैं ले रही हूँ 1/2 स्पून। और इन सबको अच्छे से मैं तकरीबन 5-10 मिनट्स के करीब में मैं जो है वो डबल बॉयलर के हेल्प से जो है इसको गर्म की हूँ। मुझे जब लगा है कि मेरा ऑयल एकदम गर्म हो चुका है और लिकोराइज जो पाउडर मैं इसके अंदर डाली हूँ वो पक चुका है अच्छे से, मतलब गर्म हो चुका है, तब मैं गैस को कर दी हूँ अच्छे से ऑफ़। ये प्रोसेस में आपको 5-10 मिनट्स लगने वाला है। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस शुरू करना है। अब आपको इसके अंदर या तो आप वाइल्ड टर्मरिक मिलाएं या फिर आप केसर मिलाएं, आपको इन दोनों में से कुछ भी मिला सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो आप मिला सकते हो। तो मैं जब भी इस ऑयल को बनाती हूँ अपने बॉडी लोशन एज अ बॉडी लोशन लगाने के लिए या फिर अपना फुल बॉडी व्हाइटनिंग के लिए ये विंटर सीजन के लिए मार्वेलस ऑयल है। अगर आप पैक लगाना नहीं सकते हो, अगर आप सर्दियों के मौसम में नहीं पैक लगाना चाहते हो, तो ये एक ऐसा मेथड है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइट और खूबसूरत बनाता है। तो मैं इसके अंदर जो डालने वाली हूँ तकरीबन 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा जो है मैं वाइल्ड टर्मरिक जो है इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। उसके बाद इसको मैं अच्छे से करूंगी मिक्स। मैं इसको दो तरह से बनाती हूँ। एक तरीका तो ये होता है जिसके अंदर मैं ये जो लिकोराइज पाउडर है जो मैं डाली हूँ उसको मैं मतलब छन्नी के हेल्प से छानती नहीं हूँ, इसके अंदर ही रहने देती हूँ ऑयल के अंदर। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको मैं छन्नी के हेल्प से निकाल देती हूँ और एक कंटेनर में स्टोर करती हूँ। तो आपको भी मैं बोलूँगी या तो आप जो इस टाइप के कुछ जो होते हैं ना ड्रॉप वाले जो कंटेनर जो ड्रॉप वाले जो बॉटल होते हैं उसके अंदर भी आप चाहे तो स्टोर कर सकते हैं। करूँगी इसको क्योंकि ये गर्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है लिकोराइज पाउडर का, तो मैं इसके अंदर निकाल लूँगी। ओके, अब आगे का काम आपको एकदम से ध्यान से सुनना है कि अब आपको क्या क्या मिलाना है इसके अंदर जिससे आपकी स्किन लाइटन और ब्राइटन हो जाए। अगर आपको इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है आपको ग्रेपसीड ऑयल। अगर आपके पास ग्रेपसीड ऑयल नहीं है, आपका जो भी आपका फेवरेट ऑयल है जो आपको सूट करता है वो आप डालोगे, लेकिन मैं ग्रेपसीड ऑयल बहुत यूज़ करती हूँ। मैं ऑयल एक्चुअली बहुत सारे यूज़ करती हूँ अपने फेस के ऊपर, अपने हैंड के ऊपर, मतलब अपने ऊपर मैं ऑयल्स बहुत सारे यूज़ करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑयल। स्पेशली विंटर सीजन में तो धमाल मचाती हूँ मैं।
ग्रेपसीड ऑयल क्या करता है, फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करता है, साथ ही साथ आपके खूबसूरती को में चार चांद लगाता है, डार्क स्पॉट डलनेस इन सबको कम करता है और आपकी रंगत को बहुत निखारता है। लेकिन अगर आपके पास ग्रेपसीड ऑयल नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसके जगह पे जैसे वाइल्ड टर्मरिक भी डाल सकते हो और साथ ही साथ आप केसर भी ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ग्रेपसीड ऑयल जो है आपको मैं 1 स्पून जो है इसके अंदर भर के, 1 स्पून आप देखो 1 स्पून भर के है और मैं इसके अंदर ग्रेपसीड ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ वो है आपको एलमंड ऑयल। ओके, मेरे पास हर टॉनिक का है, आपके पास कोई भी ब्रांड का एलमंड ऑयल हो आप ले सकते हो, लगन बादाम वगैरह के जो आते हैं वो सब आप यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी ब्रांड का हो जो फेस में लगा सकते हो उसको आप यूज कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर एलमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ 1 स्पून, 1 स्पून मैं एलमंड ऑयल भी यूज कर रही हूँ। अच्छा, एक चीज मैं और बताती हूँ, अगर आपके चेहरे पे एलमंड ऑयल आपको सूट नहीं करता है और अगर आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी बहुत लाइट वेट होता है, इजिली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और एलमंड ऑयल भी वही काम करता है, लेकिन एलमंड ऑयल से भी ज्यादा लाइट ऑलिव ऑयल होता है। एलमंड ऑयल क्या करता है, फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करता है, आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपकी रंगत को निखारता है और ये बहुत बेहतरीन होता है। तो ये भी मैं 1 स्पून ली हूँ। उसके बाद जो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वो है आपको पम्पकिन सीड ऑयल। अगर आपके पास पम्पकिन सीड ऑयल नहीं है तो आप इसके जगह पे अगर आपको आप चाहे तो टी ट्री ऑयल एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है लेकिन आपके पास जो है टर्मरिक एसेंशियल ऑयल है तो आप टर्मरिक एसेंशियल ऑयल जो है वो 1 ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप आप ऐड कर सकते हो। उससे एसेंशियल ऑयल को कभी भी ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, इतना एकदम से ध्यान में रखें। तो ये जो पम्पकिन सीड ऑयल है ये क्या करता है आपकी, फिर अगेन यही काम करता है, एंटी एजिंग है, फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर काम करता है, साथ ही साथ आपकी रंगत को निखारता है। स्पेशली अगर आपकी अगर आपकी उम्र प्लस थर्टी है तो पम्पकिन सीड ऑयल आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, लेकिन अगर आप टीनेजर्स हो या फिर आप 20-30 में आते हो तो अगर आप पम्पकिन सीड ऑयल अगर यूज नहीं भी करते हो, ऐड नहीं भी करते हो तो चलता है। इसके जगह पे अगर आप विटामिन ई के 1 कैप्सूल या फिर विटामिन ई का 1 स्पून ऑयल ऐड कर लेते हो तो काफी होता है। तो मैं जो हूँ इसमें पम्पकिन सीड ऑयल में ऐड कर रही हूँ। अब पम्पकिन सीड ऑयल में कितना ऐड करूंगी, तो मैं लेने वाली हूँ तकरीबन 4 ड्रॉप, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 ड्रॉप जो है मैं एसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड की हूँ। उसके बाद इन सबको करूंगी मैं एकदम अच्छे से मिक्स, एकदम अच्छे से मिक्स करूंगी और ये आपका जो है फुल बॉडी व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग सीरम जो है बनके रेडी हो गया है। जो विंटर सीजन में जो है वो मार्केट में जाकर के जो 500 और 1000 रुपए के आप सीरम लेते हो ना, उससे ज्यादा ये इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा असरदार है। तो आपने देख लिया कि इसको बनाते कैसे, अब बन के ये हो चुका है रेडी। अब इसको लगाना कैसे आपको मैं सिंपल बताती हूँ। तो आपको अपने फिंगर से आप या फिर कॉटन के हेल्प से भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ मोस्टली फिंगर लेती हूँ। उसके बाद इसको मैं अपने पूरे फेस के ऊपर डॉट डॉट करके, डॉट डॉट हो गया। उसके बाद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करना है, अंडर आई भी आपको लगाना है इसे, ताकि आपके डार्क सर्कल आई पफिनेस जो है वो कम हो जाए। और आपको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करना है अपने चीक्स के ऊपर और ये जो एरिया है उसको आपको नीचे से ऊपर की तरफ आपको करना है। फॉरहेड पे भी आपको जिगजैग ऐसे यू आपको मसाज करना है। आप नेक पे भी ऐसे ही लगा सकते हो, आप अपने हैंड पे लगा सकते हो, आप अपने लेग पे लगा सकते हो। रात में इसको सोने के पहले आपको पूरे बॉडी पे लगा लेना है, उसके बाद ओवरनाइट आपको छोड़ देना है। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो नॉर्मल टैप वाटर से जैसे आप फेस को वॉश करते हो वैसे ही आपको टैप वाटर से आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी रंगत बेहद गोरी, बेहद खूबसूरत और बेहद ग्लोइंग हो गई है। आपके चेहरे पे जो भी फाइन लाइन वगैरह है वो सब खत्म हो गए हैं और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो गई है। मैं बस
लगाई हूँ और आप मेरी स्किन देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। मार्केट के जो बड़े बड़े ब्रांड्स के जो सीरम आते हैं ना, वो फेस सीरम के आगे ये मतलब कहीं से कम नहीं है। बस इसके नखरे इसमें कुछ नहीं है और उस सीरम्स के नखरे ज़्यादा होते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। काम ये बहुत ज़्यादा करने वाला है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको लगाना है तो क्या, कौन से एज में लगाना है, तो क्या अवॉइड करना है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप नाइट टाइम में नहीं लगाना चाहते हो, या फिर अगर आप मॉर्निंग में भी लगाना चाहते हो और नाइट टाइम में भी लगाना चाहते हो, तो आप बिंदास आप इसको मॉर्निंग में भी लगा सकते हो और नाइट टाइम में भी लगा सकते हो। मॉर्निंग टाइम में आप ऐसा कर सकते हो कि जब आपको सार लेने जाना होता है तो आप 1 आवर पहले अपने पूरे बॉडी पे इसे लगा ले, फेस पे हल्का आराम से 2 मिनट तक मसाज कर ले। उसके बाद अगर आप सार ले लेते हो, सार लेने के बाद जब आप निकलते हो, जो भी आप क्रीम वगैरह लगाते हो आप लगा लो। ये चीज अगर आप करते हो ना, तो आपके फाइन लाइन रिंकल्स के ऊपर बहुत काम आने वाला है और मतलब कम करने वाला है, और आपके जो फेस है ना, आपके फेस को और भी ज्यादा ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने वाला है। 7 डेज में ही देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत और ग्लोइंग हो गई है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए। अच्छा, आप लोगों का एक और क्वेश्चन होगा कि छवि इसको बना करके कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आराम से इसको रूम टेम्परेचर में आप 15-20 डेज तक स्टोर करके रख सकते हो, यानी कि 15-20 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलते हो फिर। अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और भी अच्छा लग गया मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।